आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भगवा मसले पर प्रियंका की आलोचना, यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा प्रियंका ने नियम कानून साफ कर रखे। देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सीरियस नियुक्त। कमलनाथ नहीं बदल पाए प्रदेश के आर्थिक हालात, फिर लेना पड़ रहा है 1,000 करोड़ का कर्ज। भोपाल में जिस्म का काला कारोबार, स्पा में कोटवर्ड से मिलती है कॉलकर। और मंत्री जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को मारे थक्के, पटवारी के गुस्से का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों को लेकर प्रियंका के बयान की निंदा की और कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए प्रियंका नियम कानून ताक पर रखे हुए हैं। कांग्रेस की महासचिव भगवा को बदनाम ना करें और उपद्रवियों का साथ ना दें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कांग्रेस महासचिव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा था कि भगवा पहना है तो उस धर्म को भी धारण करे। इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रियंका भगवा को बदनाम कर रही है और मीडिया में बने रहने के लिए ही प्रियंका नियम कानून ताक पर रखे हुए हैं। कांग्रेस की महासचिव भगवा को बदनाम ना करें और उपद्रवियों का साथ ना दें। गांधी परिवार में जो संस्कार है उसमें भगवा का कहीं स्थान नहीं है, इसीलिए जानते नहीं कि भगवा की क्या संस्कृति है। कांग्रेस को ऐसा आरोप लगाने की आदत बनी है, ऐसा कर प्रियंका ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूँ। 3 साल तक देश की सेना के प्रमुख रहने के बाद जनरल विपिन रावत रिटायर हो गए। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने देश के नए सेना प्रमुख के रूप में कमान संभाल ली है। वहीं विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। थल सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्ति के ठीक एक दिन पहले सरकार ने जनरल विपिन रावत को सीडीएस नियुक्त किए जाने का ऐलान किया। जनरल विपिन रावत के सीडीएस बनने के बाद उनकी भूमिका तीनों सेनाओं और सरकार के बीच समन्वयक की रहेगी। सीडीएस का कार्यकाल 3 साल का होगा। सीडीएस पद सृजित किए जाने के बाद से ही जनरल विपिन रावत को पहला सीडीएस बनाए जाने की चर्चा थी। सरकार ने सीडीएस के लिए अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 62 से 65 साल कर दिया था। कारगिल युद्ध के बाद से ही सैन्य क्षेत्र में इस तरह के पद की मांग उठ रही थी। उस समय रिपोर्ट में यह सामने आया था कि सेनाओं के बीच समन्वय की कमी के कारण युद्ध में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को यह पद सृजित करने का ऐलान किया था और 24 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई थी। जनरल विपिन रावत के नाम कई उपलब्धियां हैं। बतौर सेना प्रमुख उन्होंने सैन्य सुधारों की दिशा में कई कदम उठाए। जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए उन्होंने आक्रामक रणनीति अपनाई। पाकिस्तान और चीन से लगी नियंत्रण रेखा और पूर्वोत्तर में उन्होंने कई सैन्य अभियानों में भूमिका निभाई है। जनरल रावत कांगो में एक मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान भी संभाल चुके हैं। सीडीएस की भूमिका रक्षा व इससे जुड़े मामलों में प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री के एकीकृत सलाहकार की होगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के नाम से नया विभाग गठित होगा और सीडीएस इसके सचिव होंगे। यह विभाग केवल सैन्य क्षेत्र से जुड़े मामले देखेगा। सीडीएस का उद्देश्य सेनाओं को ट्रेनिंग, स्टाफ व अन्य अभियानों के लिए एकीकृत करना होगा। Mr. Naravane will be assuming the mantle of
President Army Wives Welfare Association and will hereinafter be caring for the families of our soldiers, Veer Naris, Veer Matas and the families of our veterans. I wish to convey my best wishes to General Mr. Daravane for a very successful innings as a chief of the Army staff. I am confident Army will continue to rise to greater heights. मुख्यमंत्री कमलनाथ भी प्रदेश के आर्थिक हालात को सुधारने में असफल साबित हुए हैं। पिछले एक बरस में कांग्रेस सरकार ने जैसे दावे किए थे वैसे परिणाम सामने नहीं आए हैं और सरकार को अपने काम चलाने के लिए बाजार से फिर 1,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। ये बताता है कि मध्य प्रदेश की माली हालात कमलनाथ के राज में पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एक अच्छे उद्योगपति हैं, इसीलिए वे कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे, लेकिन उनकी सरकार को एक साल पूरा होने के बाद भी इसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तंगी के दौर से गुजर रही प्रदेश सरकार बाजार से फिर 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 10 साल के लिए कर्ज लिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के साथ अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में किया जाएगा। प्रदेश सरकार अभी तक जरूरी कामों के लिए बाजार से 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है बीते एक साल में सरकार की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा डामाडोल हुई है। इसके बावजूद बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते मध्य प्रदेश को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% तक कर्ज लेने का अधिकार है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य 28,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकता है। अभी तक 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष के 3 माह अभी बाकी हैं। यदि जरूरत पड़ी तो और कर्ज भी लिया जा सकता है, जिसके पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी मुसीबत बन चुकी है। ठंड ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। ग्वालियर में ठंड ने 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पारा 2.2 डिग्री पर पहुंच गया है। ग्वालियर में कड़ाके की सर्दी से लोग परेशान हैं। शिमला से ज्यादा ठंड ग्वालियर में देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तीखी सर्दी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बीते रोज शिमला से भी ज्यादा ठंडा ग्वालियर रहा है, क्योंकि शिमला का तापमान 6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, तो वही ग्वालियर का तापमान 2.2 डिग्री रहा है। ग्वालियर में अब तक का सबसे घना कोहरा इन दिनों का है। दृश्यता महज 50 मीटर तक रह गई है। इससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हो गया है। लोग घर से निकलने से बच रहे हैं। कोहरे की वजह से सड़क पर वाहन भी रेंग रेंग कर ही चल रहे हैं। वहीं ट्रेनें भी घंटों देरी से चल रही हैं। कोहरे व सर्दी का असर सबसे ज्यादा बुरा असर फ्लाइट पर पड़ रहा है। नई दिल्ली से चलने वाली सारी ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं। तेज सर्दी की वजह से लोगों ने भी अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी तेज सर्दी व कोहरे के आसार बने रहेंगे। सर्दी का तो कुछ मत पूछो भाई साहब, इतनी जोर की पड़ रही है। सुबह सुबह तो एक तो रजाई में से निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन काम पे भी जाना पड़ता है भाई। अब काम के चक्कर में नहाना भी पड़ता है। नहा के निकल तो आए, लेकिन आपके पास बैठे हुए 1 घंटा हो गया तब से। हमने तो टिकट भी करवा लिए थे भाई कि मनाली चले जाएंगे, लेकिन देखा अब यहीं इतना ऐसा अच्छा मौसम हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा सर्दी है। कितना टेम्परेचर है? टेम्परेचर अभी 7 आ रहा है। सुबह 2.2 था। हाँ, सुबह 2.2 था, अब बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन सर्दी अभी भी है। अब बहुत तेज चल रही है। गंदा तो कर नहीं है, क्या खाएं? अब यहाँ से पे बैठ रही है, 12 बज गई। वो कछु न कछा, वो गाँव है ना, रही मरे जा रहे ठंड के मारे। आज 2.2 मिनिमम टेम्परेचर रहा है, जो कि 11/12/1996 को 2.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उसके बाद ये 2.2 है, और यदि पीछे और चले जाए तो 94 में टेम्परेचर 1.4 रहा था। मतलब 25 साल बाद इतना रहा है। 25 साल इतना गिरा। कल बादल बहुत ज्यादा खुला हुआ रहा था, इसके कारण सर्द हवाओं का अंदर प्रवेश करना आसान हुआ, और कोहरे के
पीरियड था वो 5 बजे के बाद कोहरा आया है तो तेज, इसलिए टेम्परेचर कूल डाउन हो गया। मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी गुस्से में कार्यकर्ताओं को धक्का मार देते हैं, पैरों पर पैर मारते हैं। उनका ऐसा ही एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने ही कार्यकर्ताओं से बदसलूकी कर रहे हैं। इस घटना के बाद ब्राह्मण नेताओं ने जीतू पटवारी की कड़ी आलोचना की है। कमलनाथ सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी का कार्यकर्ताओं पर नाराजगी का वीडियो वायरल हो रहा है। रीवा में जीतू पटवारी एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे, इसी दौरान उन्होंने रीवा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कमरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जबरन वहां घुस जाने पर वहां धक्का मुक्की होने लगी। इससे नाराज होकर जीतू पटवारी खुद कार्यकर्ताओं को कमरे से बाहर करने लगे। इस दौरान उन्हें जब खुद धक्का लगा तो वे गुस्से में आ गए और उन्होंने एक कार्यकर्ता को लात और पीठ पर धक्का मारकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। इस घटना के बाद रीवा कांग्रेस के ब्राह्मण नेता पटवारी के इस कृत्य से नाराज नजर आए और उन्होंने जीतू पटवारी की आलोचना की है। इस घटना के बाद कई लोगों ने जीतू पटवारी के इस कृत्य की निंदा भी की है। कल रीवा में जिस प्रकार से उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी द्वारा एक ब्राह्मण को लात और घूसों से मार करके रूम से बाहर किया जाता है, यह निश्चित तौर पर निंदनीय है और ब्राह्मण समाज इसकी घोर निंदा करता है। ब्राह्मण को लात मारना यह पाप की श्रेणी में आता है और जीतू पटवारी जी आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, यह आप कर क्या रहे हैं? आप लोग मदमस्त होकर के हाथी की भांति चलने लगे हैं और आप लोग जिस प्रकार से दम्भ भर रहे हैं इसकी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज घोर निंदा करता है। और मुख्यमंत्री जी से भी हम सब मांग करते हैं कि इस प्रकार के ऐसे मंत्रियों को आप तत्काल प्रभाव से निष्कासित करें, अन्यथा ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करने में विवश हो जाएगा। भोपाल के इस्पा में कोटवर्ड में कॉलगर मिलती है। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और जिस्म फरोशी के गोरख धंधे को उजागर किया। पुलिस ने 12 लोगों को एक मामले में रंगे हाथों धर दबोचा है। बाग सेवनिया इलाके में क्राइम ब्रांच ने शाइन इस्पा सेंटर पर छापा मारा, जहां देह व्यापार में लिप्त 7 युवतियों और 5 ग्राहकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें इस्पा सेंटर की संचालिका भी हैं। यहां ग्राहकों को एक कोड हैप्पी एंडिंग बताना पड़ता है, इसके बाद उसे कॉलगर मिलती थी। इस इस्पा सेंटर के संबंध में भोपाल के अलावा नागपुर, नासिक, मुंबई, जलगांव और इंदौर के कई इस्पा सेंटरों से हैं। वहां से कॉल गर्ल भोपाल के अलावा अन्य स्थानों पर भेजी जाती थी। फिलहाल पुलिस इस रैकेट से जुड़े और भी अहम जानकारियां जुटा रही है। पुलिस के पास शहर के 30-40 स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां चलने की सूचना मिली है। स्पा सेंटर में फिल्मी स्टाइल में लड़कियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। सामान्य ग्राहक को लड़कियां स्पा करके भेज देती थी। यदि ग्राहक हैप्पी एंडिंग स्पा की डिमांड करता तो उसे देह व्यापार में लिप्त लड़कियों को उपलब्ध करवाया जाता था। कई बार ग्राहक से ही पूछ लिया जाता था कि आपको हैप्पी एंडिंग या सिंपल मसाज करवाना है। मसाज का 1,000 रुपए व हैप्पी एंडिंग के लिए 5,000 से 50,000 रुपए तक चार्ज किया जाता था। स्पा सेंटर में आने वाले ग्राहकों को पहले युवतियों का एल्बम दिखाया जाता था। इसे देखकर युवतियों को पसंद किया जाता था, फिर सौदा तय किया जाता था। साथ ही नियमित और प्रीमियम ग्राहकों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर लड़कियों के फोटो दिखाए जाते थे। एमपी नगर के एक फ्लैट में देह व्यापार का कारोबार की जानकारी पुलिस को लगी तो वहां भी छापेमार कार्रवाई की गई। फ्लैट के बाहर महिला उत्थान का बोर्ड लगा था। क्राइम ब्रांच ने अपने आदमी को भेजकर जाल बिछाया और 2 महिलाओं को मौके से गिरफ्तार कर लिया। देह व्यापार की भी शिकायतें मिल रही थी। कुछ स्पा में जो है कुछ लड़कियों और महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार का काम किया जाता है, उस पर एक स्पा में छापा मारा है और वहां से रंगे हाथ कुछ युवतियों को और युवकों को इस प्रकार का कृत्य करते हुए पकड़ा गया है और जिस पर कार्रवाई चल रही है। स्पा की मालकिन प्रतिदिन 40,000 से 50,000 रुपए तक कमाती थी। वह काम करने वाली युवतियों को महीने के अनुसार सैलरी देती थी। पुरानी युवतियों को 9,000 और नई युवतियों को 8,000 रुपए महीना दिया जाता है। युवतियों को ग्राहक से कमीशन भी मिलता था। शहर के स्पा सेंटरों में युवतियों की अदला बदली का काम भी शुरू हो गया है। ग्राहक दूसरे स्पा सेंटरों में युवतियां बुलाते हैं, यहां की युवतियां भी दूसरी जगह पर भेजी जाती हैं। इससे ग्राहकों को लगता है कि हर बार नई युवती मिल रही है,
भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें आरोपियों से एमडी चरस और गांजे समेत कई मादक पदार्थ बरामद किए गए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में गर्मियों में पानी की किल्लत बढ़ जाती है, तो पानी की सप्लाई के लिए नगर पालिका निगम के पास टैंकर की कमी पड़ जाती है और किराए पर लेने पड़ते हैं। इस बार ये समस्या ना हो, इसके लिए विधायक ने अपनी निधि से गर्मियां शुरू होने के पहले ही 10 पानी के टैंकर सिंगरौली नगर पालिका निगम को सौंप दिए हैं। सिंगरौली विधानसभा के विधायक राम लल्लू वैश्य ने गर्मी में पानी की बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए गर्मी आने से पहले ही विधायक ने अपने क्षेत्र की नगर पालिका निगम को विधायक कोष से 10 नग पानी के टैंकर नगर पालिका निगम सिंगरौली को विधिवत पूजा अर्चना कर सौंप दिए हैं, जिससे उनके क्षेत्र की जनता को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। साथ में महापौर प्रेमवती खैरवार, नगर निगम अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, राम वृक्ष चौरसिया शही और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि इन टैंकरों के माध्यम से आम लोगों तक नगर निगम के वार्डों में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और जिससे नगर निगम को सहूलियत होगी। सिंगरौली नगर निगम के अंतर्गत 45 वार्ड हैं। नगर निगम किराए के टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करता है। विधायक निधि से यह टैंकर हमेशा के लिए अब नगर निगम के होंगे, खर्च भी बचेगा, नगर निगम समय पर पानी भी पहुंचा पाएगा। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि नगर पालिका निगम चुनाव चूंकि गर्मियों से पहले है, शायद इसीलिए विधायक को जनता की प्यास का ख्याल सर्दियों में ही आ गया। इतना ही नहीं, प्रचार के लिए विधायक ने अपना फोटो भी टैंकर पर छपवा दिया है। इस पर राम लल्लू वैश्य ने कहा कि विधायक निधि देर से मिली थी, जब मिली तो हमने अपने विधायक निधि से पैसा दे दिया, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को समय पर पानी मिले। और कुछ भी लोग अर्थ लगाते रहे, मैं बीजेपी का विधायक हूँ, टैंकर में फोटो है, अच्छी बात है, मैं दे रहा हूँ अपनी निधि से, इसीलिए फोटो है। भाजपा के सम्मान से चुनाव जीता हूँ, सदन में भी पक्ष के रूप में ही बैठता हूँ, तो भाजपा को चले ना, इसलिए विधायक भाजपा के जनता भी जाने का विधायक जी ने इसको दिया है। चुनाव आएगा तो इसे वोट देते हैं, नहीं समझ रहे हैं। छतरपुर में अतिक्रमण विरोधी अमला जब सरकारी जमीन पर बनी कॉलोनी को हटाने पहुंचा तो लोगों ने अतिक्रमण दल और प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। इन लोगों ने प्रशासनिक अमले पर पथराव कर लाठी डंडे मारे। लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए प्रशासन ने उनके मकान गिराने शुरू कर दिए थे। कमलनाथ सरकार द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चलाए जा रहे अभियान से अब लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं और सरकार की कार्यवाही के खिलाफ सामने आने लगे हैं। छतरपुर से भी अजीब स्थिति देखने को मिली है। अतिक्रमण दल सिविल लाइन की सरकारी जमीन पर बनी दुर्गा कॉलोनी में बुलडोजर से मकान गिराने गया था, तभी लोग मकान गिराने की कार्रवाई का विरोध करने लगे। लोगों ने प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया और लाठी डंडों से अतिक्रमण विरोधी दस्ते को भगा दिया। पथराव होता देख प्रशासन की टीम भागने लगी। इस पथराव में मौके पर जेसीबी मशीन के कांच भी टूट गए। निश्चित है अगर अतिक्रमण हटाया जाता तो लोगों को तकलीफ तो होती है, उनको ऐसा लगता है कि मतलब हमारी जमीन को शासन जबरन छीन रही है, हमारा मकान जबरन गिराया जा रहा, तो पब्लिक का विरोध रहता है, लेकिन उससे शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शासन मुस्तैदी से अपनी कार्रवाई कर रहा है वो करेगा। पथराव किया है, पब्लिक ने किया है, तो प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में है, आगे भी इस कार्रवाई को सख्ती के साथ में पूरी करेगा। समस्या है सर कि हम यहाँ गरीब लोग हैं, रोजी रोटी अपने पेट पालते हैं सर, 3 लाख रुपए ले चुके हैं और 10 लाख और मांग रहे हैं, हम कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे होते तो क्या हम यहाँ रहने आते हैं? आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, अचानक आए लेडीज जेंट्स लोग काम पे चले, औरत क्या करेगी यहाँ बताओ? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएगी? मजदूरी कर रहे हैं, अपने पेट पाल रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है? 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे हम? कौन मांग रहा है? वो एसटीएम
3 लाख ले चुका है और कहाँ से देंगे हम, आप ये बताइए। जब इस बारे में क्षेत्रीय सत्ताधारी विधायक आलोक चतुर्वेदी को खबर लगी तो वे मौके पर पहुंचे और सरकारी काम में हस्तक्षेप करते हुए मकान तोड़ने से रोक दिया। विधायक ने प्रशासन की टीम को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, गरीबों के मकान गिराने को नहीं कहा, पहले भू माफियाओं पर कार्रवाई करो तब इन पर कार्रवाई करना। अतिक्रमणकारियों का आरोप है कि प्रशासन बिना नोटिस दिए कड़ाके की ठंड में उनका मकान गिराने लगा है। वहीं कुछ लोगों ने एसडीएम पर रिश्वत मांगने के भी आरोप लगाए हैं। शहर में बहुत बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जिनके खिलाफ भू माफिया की कार्रवाई होनी चाहिए, ये गरीबों पे बाद में होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो इन पे भी करें कार्रवाई। इनको जमीन किसने दी, नगर पालिका का कनेक्शन कैसे है, नगर पालिका का टैक्स कैसे जमा हो रहा है, बिजली के कनेक्शन कैसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 70 कुटीरों के भी स्वीकृति है, तो क्या उस जब स्वीकृति आपने कुटीरों की दी है तब आपने जांच नहीं की, कहाँ से आप जब इस जमीन पर आपने कुटीरों की कैसे आपने स्वीकृति दे दी। हमारा घर गिर गया, हमको चाप दिया, हमारा सारी सामान आज की खाए को आटा नहीं बचा है, हमको कोई सूचना नहीं दिया कि हम मकान गिराने आ रहा है, हम गरीब बंदे, अचानक से हमारा बच्चा भी बच गया, हमारे ऊपर पटक दिया ईंटें सीटें, हम लोग ऐसे बड़े आदमी होते पैसे दे दे के छक गया, आपकी जमीन में हम क्यों बैठते, वो बैठते बैठ गया है, आपको भगाना है तो हमको 2 दिन से नोटिस देते कि भाई आप अपना घर खाली कर दो, हमको कोई मोहलत नहीं दिया, मंदूर आदमी सारी मंदूरी चले गया, हमारा कुछ सामान नहीं निकालने दिया, पूरा मकान गिरा दिया, 1 लाख आपास का लगा है, 2 लाख हमारा घर से लगा है, वो पूरा मकान महक दिया टोर के, किसी की बात नहीं मान रहा है, मेरे बच्चा भी कुछ आपस हो, चलो हमारे मकान भी देख लो आप चल के ऐसे। पंखाजूर में छात्र संगठन ने रोजगार पंजीयन सत्यापन को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया और मांग की है कि रोजगार पंजीयन का कार्य पंखाजूर में ही कराया जाए। छात्र संगठन का कहना है कि रोजगार पंजीयन करने के लिए छात्रों को 150 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, जिसकी वजह से छात्रों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कांकेर के पंखाजूर में रोजगार पंजीयन करने को लेकर छात्र संगठन ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि पंजीयन के लिए छात्रों को दूर जाना पड़ता है, जिससे छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि पंजीयन की प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए। पंखाजूर में 2 साल पहले जैसे पंजीयन की व्यवस्था थी उसी प्रकार अभी भी किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पंखाजूर में रोजगार पंजीयन बंद कर दिया गया है। छात्र संगठन की मांग है कि पंखाजूर में पंजीयन की व्यवस्था को फिर शुरू किया जाए ताकि किसी भी छात्र को पंजीयन के लिए 150 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। तहसीलदार का जो हमने ज्ञापन दिया है, रोजगार पंजीयन कार्यालय जो है जैसे 2 साल पूर्व पखांजूर में था उसको पुनः पखांजूर में लाने के बाबत हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। हम यही मांग करते हैं जैसे पुनः पिछले 2 वर्ष पहले जो पखांजूर कार्यालय में हमारा रोजगार पंजीयन होता था हर महीने के 24 तारीख को वो फिर से चालू किया जाए। आज ये उनका दूसरा ज्ञापन है, पहले ज्ञापन के आधार पर ही कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्णय लिया जा चुका है कि पखांजूर में रोजगार पंजीयन कराया जाएगा। बस हमको एक डेट डिसाइड करना बचा हुआ है, हमने ऑफिस के लिए जगह डिसाइड कर लिया है, बाकी सारी सुविधाएं दे दी हैं, एक डेट डिसाइड करके बता दिया जाएगा। आशा कार्यकर्ता संघ ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने की मांग की है। इनका कहना है कि आशा कार्यकर्ता को संविदा कर्मचारियों की तरह नियमित किया जाए और पीएफ सहित अन्य सुविधाएं दी जाएं। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ता संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मांग की है कि संविदा कर्मियों की तरह उनको भी नियमित किया जाए। गौरतलब है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन संचालित योजना NHRM के अंतर्गत लगभग 12 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी संपूर्ण देश में कार्यरत हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधी आवश्यक जानकारियां लोगों को दी जाती हैं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको बहुत ही कम मानदेय दिया जाता है, जिसमें परिवार चलाना असंभव है। जिस दिन यह कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए नहीं जाती हैं उस दिन का वेतन भी नहीं दिया जाता है। कार्यकर्ताओं ने संविदा कर्मचारियों की तरह नियमित करने एवं पीएफ की सुविधा दिए जाने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि देश में मृत्यु दर में जो गिरावट आई है उसके पीछे इन कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ है। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में
आशा कार्यकर्ताओं का 10 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है मुख्यमंत्री जी के नाम और कलेक्टर महोदय के नाम जी। इसमें मुख्य मांगे हैं जैसे 24,000 रुपये का कम से कम उनको वेतनमान होना चाहिए, बीमा दुर्घटना होना चाहिए, उनका EPF में पैसा कटना चाहिए, इनको ग्रेचुटी राशि की भुगतान होना चाहिए, बीमा की राशि का 5 लाख रुपये का कम से कम भुगतान होना चाहिए दुर्घटना की स्थिति में, समय से जो स्थानीय मांगे समय से इनके बिल निकलना चाहिए, भुगतान होना चाहिए। ये कुछ मांगों को लेकर के आज इनको जो ज्ञापन दिया गया है ये हमारी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन। आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है जिसमें आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगी बहनों की विभिन्न मांगों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें सबसे पहली मांग ये है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वचन पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आने पे आशा कार्यकर्ताओं को और आशा सहयोगियों को नियमित करेंगे, लेकिन आज 1 साल और 2 महीने बीत जाने के बाद भी उनको हमारा कोई ख्याल नहीं आया है और उनको ये ध्यान आ जाए कि हमारी बहनें उनसे कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं, जल्दी से जल्दी वो अपने वचन पत्र को पूरा करें। जब तक वो नियमित नहीं करते हैं तब तक कम से कम 18,000 या 24,000 रुपए जो नियमित है वहाँ से जी जी वो उनको भुगतान होना चाहिए। MA की परीक्षा में राजनीति शास्त्र के पहले पेपर में उग्रवादी और क्रांतिकारी आतंकवादी में अंतर बताए जाने को लेकर एक सवाल पूछा गया था जिसके बाद आपत्तियां उठाई गई थी जिस पर प्रशासन में जांच बैठा दी गई थी। विश्वविद्यालय की 3 सदस्यीय जांच कमेटी और संचालक उच्च शिक्षा विभाग की एक कमेटी ने इस पूरे मामले पर अपनी जांच को पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मामला जीवाजी यूनिवर्सिटी के MA की परीक्षा का है जिसमें एक पेपर में उग्रवादी और क्रांतिकारी आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक प्रश्न में हुआ था। जब इस पर बवाल हुआ तो पूरे मामले की जाँच के लिए एक जाँच कमेटी गठित की गई। अब कमेटी की जांच पूरी हो गई है और रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी गई है। JU के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. केशव सिंह गुर्जर ने बताया कि विश्वविद्यालय की 3 सदस्यीय जांच कमेटी और संचालक उच्च शिक्षा विभाग की एक कमेटी ने शनिवार को संबंधित पक्षों के लिखित बयान पूरे होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी है। आपको बता दें कि इन विवादास्पद शब्दों को वर्ष 2014 में अध्ययन मंडल द्वारा सिलेबस में शामिल किया गया था और इसी के आधार पर 20 दिसंबर को आयोजित राजनीति शास्त्र के पहले पेपर में उग्रवादी क्रांतिकारी और आतंकवादी में अंतर बताए जाने को लेकर प्रश्न पूछा गया था। हैरानी की बात यह है कि पिछले 5 वर्षों से MA के तृतीय सेमेस्टर में राजनीति शास्त्र में से पढ़ाया जा रहा था, हालांकि दबी जुबान में जिम्मेदार इसे अध्ययन मंडल की गलती स्वीकार रहे हैं। फिलहाल गेंद शासन के पाले में है और देखने वाली बात ये होगी कि इसकी गाज किस पर गिरती है। जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा एक समिति बनाई और एक समिति मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी बनाई गई एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन के नेतृत्व में। दोनों ही समितियों ने कल जो है ना मीटिंग उनकी हुई और उस प्रकरण के सारे दस्तावेज उन्होंने देखे और जिस व्यक्ति ने प्रोफेसर ने पेपर सेट किया उनको भी बुलाया, उनके भी बयान लिए और उसके आधार पर उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो बना के और शासन को भेज दी। प्रशासन की लापरवाही के चलते कड़ाके की ठंड में टूटे फूटे मकानों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। अधिक बारिश की मार ने लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था जिसके बाद से ही लोग तहसील कार्यालय और पटवारियों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, मगर प्रशासन ने लापरवाही के चलते ना तो सर्वे कराया और ना ही मुआवजा दिया है। त्योथर में इस वर्ष की बारिश ने लोगों के घरों को उजाड़ दिया था। बारिश में मलपार गांव में लगभग 1 दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसके बाद लोगों ने तहसील कार्यालय में सूचना दी थी मगर हल्का पटवारी राजापुर रामाधार मिश्रा के तानाशाही रवैये के कारण आज दिनांक तक लोगों के टूटे घरों का ना तो सर्वे किया गया और ना ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। राहत राशि देना तो दूर की बात है। फिर बेसमय में हुई दोबारा बारिश से पीड़ित किसान का पूरा धान भी खराब हो गया। पीड़ित किसान इस कड़ाके की ठंड में लगातार पटवारी से लेकर तहसील के वरिष्ठ अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन पीड़ित की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे। हमारे अभी 2 महीना पहले जो पानी बरसा था तो उसमें हमारा जो है तो पूरा मकान ध्वस्त हो गया जिसका मैंने जो है तो पटवारी और तहसीलदार को प्रतिवेदन दिया, पटवारी को जांच को दिया गया लेकिन अभी तक कोई उसमें निराकरण नहीं किया गया। और अब जो है तो धान गहाई के बाद हमने खलिहान में रखा था क्योंकि घर है नहीं हमारे पास अंदर रखने के लिए, तो उस स्थिति में अब हमारी धान की ये दुर्दशा हो गई है जो अभी पानी गिरा है ओले के साथ,
उसमें जो है तो हमारे धान की ये दुर्दशाएं हैं, अभी तक कोई पटवारी नहीं, कोई सुनवाई। सीए के समर्थन में विधायक के आह्वान पर कोलार क्षेत्र की जनता ने सड़कों पर रैली निकाली और सीए के समर्थन मार्च में वंदे मातरम और सीए समर्थन के नारे लगाए। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में पूरे कोलार की जनता सड़कों पर उतरी। विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में सीए के समर्थन में रैली निकाली गई। विधायक शर्मा ने कहा कि जब देश ने इटली की सोनिया जी को स्वीकार कर लिया है तो फिर कांग्रेस को विभाजन का दंश झेल रहे नागरिकों से क्या परेशानी है। विधायक शर्मा ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब के आदेश और उनकी मंशा का पालन किया है। विधायक शर्मा ने कहा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सर्वाधिक नागरिकों के साथ धार्मिक उत्पीड़न पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हुआ है, सीए से ऐसे सभी नागरिकों को न्याय मिलेगा। भारत के गली कोचे गली मोहल्ले स्कूल कॉलेज सब लोग आज इस बात के समर्थन में आए हैं कि नागरिकता संशोधन जो कानून भारत सरकार ने लागू किया है वो कानून महात्मा गांधी जी की भावना अनुसार है, वो कानून बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार है, वो कानून उन पीड़ित बहन भाइयों के लिए है जो 47 के विभाजन में उस समय उस बस्ती उस क्षेत्र में उस मोहल्ले में उस इलाके में रहते थे। ऐसे लोगों के प्रति अगर बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न होती है, अनुसूचित जाति जनजाति की बहन बेटियों के साथ पाकिस्तान बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर बलात्कार या मंदिर मठ गुरुद्वारे चर्च या बौद्ध विहार तोड़े जाते हैं तो ऐसे लोग कहाँ रहेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि विभाजन में भूलवासिया सेज जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं जिस दिन भी उनको लगेगा वो अपने देश हिंदुस्तान आ सकते हैं, या उनको नागरिकता दी जाएगी और केवल नागरिकता ही नहीं दी जाएगी बल्कि उनकी रोजी रोटी और सम्मान की इज्जत देना भारत सरकार की ड्यूटी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।